दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 के रामलीला मैदान में भी रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए। उन्होंने रावण दहन से पहले भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के स्वरूपों की पूजा अर्चना की। रावण दहन के साथ ही यहाँ पिछले 8 दिनों से चल रहे रामलीला का भी समापन हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये अत्याचारी रावण पर भगवान राम की विजय का पर्व है, इसलिए हम हर साल रावण दहन करते हैं, इतना काफ़ी नहीं, ये पर्व हमारे लिए संकल्पों का पर्व है, उन्होंने दोहराने का पर्व है। इस बार हम विजयादशमी तब मना रहे हैं जब चंद्रमा पर चंद्रयान को गए 2 महीने पूरे हो चुके हैं। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का भी विधान है। भारत की धरती पर शस्त्रों की पूजा किसी भूमि पर आधिपत्य नहीं बल्कि उसकी रक्षा के लिए शस्त्र पूजा की जाती है। नवरात्र की शक्ति पूजा का संकल्प शुरू होते समय हम आराधना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब पूजा पूर्ण होती है तो हम कहते हैं देही सौभाग्य आरोग्यम, देही मे पम सुखम, रूपम देही जयम देही, यशो देही विशो जही। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य, आरोग्य, सुख, विजय और यश के लिए की जाती है।